हेलो दोस्तों, यू वेलकम आरकेज आपके लगातार एक्टिंग से रिलेटेड खास टिप्स लेकर चलता है। और इन दिनों मैं आपके लिए वो टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जो लोग सवाल करते हैं, जो पूछते हैं। और इसी दौरान एक शख्स ने मुझसे पूछा कि क्या एक्टिंग के लिए एक्टिंग क्लास की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये एक सवाल है जो हर किसी के लिए बहुत जरूरी होता है जब आप एक्टिंग करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप किसी से पूछेंगे कि एक्टर कैसे बने, तो वो शायद आपको एक्टिंग क्लास लेने की सलाह देंगे, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आपको एक्टिंग क्लास लेनी है या नहीं। दोस्तों, वैसे तो कई थिएटर ग्रुप हैं, एक्टिंग स्कूल हैं, और गवर्नमेंट एक्टिंग स्कूल सर्टिफिकेट भी है जहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाता है, जहाँ पर आपको एक्टिंग कराई जाती है। आप बिना एक्टिंग क्लास के भी एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई सारे एक्टर बॉलीवुड में हैं और एड फिल्म्स में आपने देखे होंगे, टीवी सीरियल में आपने देखे होंगे, जिन्होंने एक्टिंग क्लास आज तक नहीं लिया, लेकिन आज बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर है। अक्षय कुमार ने कभी कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन नहीं किया, और कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जिन्होंने एक्टिंग क्लास ली और उनकी आज बहुत सक्सेसफुल है। इसमें शाहरुख खान है, तो तमाम ऐसे एक्टर हैं, अनुपम खेर हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने बकायदा एक्टिंग की जो है जो प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, वो ली है। तो एक्टिंग क्लास आपके एक्टिंग को बढ़ावा देती है। कोई भी आपके अंदर एक्टिंग को डाल नहीं सकता, या मतलब कि कोई कैप्सूल देगा और खाते हो ठीक हो जाएंगे, तो नहीं। उसके लिए आपके अंदर पहले से ही एक चिंगारी, एक आग होनी चाहिए। एक्टिंग क्लास के अंदर सिर्फ आपको पॉलिश किया जाता है, आपकी स्किल्स पे काम किया जाता है, आपको बेहतर बनाया जाता है, और जिससे आपको एक अच्छा एक्टर बनने के चांस उससे काफी बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक्टिंग क्लास ही लेंगे और एक्टिंग क्लास के बिना आप एक्टर नहीं बन सकते। ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, लगन से काम करते रहेंगे, तो जरूर मैं आपको बताता हूँ कि आप बिना एक्टिंग क्लास लिए भी एक्टर बन सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई भी एक्टिंग का बैकग्राउंड नहीं है या एक्टिंग के थ्रू आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको एक्टर बनना है, इसलिए आपको एक्टिंग क्लास लेनी पड़ती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप घर बैठे भी एक्टिंग सीख सकते हैं। आप इसके लिए क्या है कि आपको कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके लिए आपको कह जाते हैं कि डायलॉग्स ट्राई करें, अलग अलग फिल्म्स के अलग अलग एक्टर्स के डायलॉग्स को ट्राई करें, और उनको हम कैसे अपने इमोशंस के साथ पढ़ें और बोलें, किस तरह से उसे प्रेजेंट करें, ये आपको समझ होनी चाहिए। इसके अलावा आप स्क्रिप्ट को पढ़िए, अपनी वॉइस पर काम कीजिए, अपने वॉइस कमांड पे कीजिए, किस तरह से मैं डायलॉग में फिसलू नहीं, डायलॉग साफ बोलूं, मिरर के सामने खड़े होकर डायलॉग डिलीवरी की तैयारी करते रहें, कैमरे के सामने खड़े होकर एक एक्ट शुरू कर दीजिए, एक सीन होता है उसे कीजिए, आप मोनोलॉग कीजिए। हर एक्टर की एक्टिंग को पहचाने कि वो जो एक्टर है वो किस इमोशन और फीलिंग के साथ अपना डायलॉग बोल रहा है। इन चीजों पर काम करेंगे, अपने फेस एक्सप्रेशन पर काम कीजिए, नॉरस कौन कौन से उन्हें पहचानिए, एक ही डायलॉग को कई कई रस में इमोशंस के साथ बोलिए। और इसके बाद जब आप इन चीजों पर काम करेंगे ना, तो अपना ऑडिशन के घर पे तैयारी भी करते रहिए। उससे जब आप घर पे ऑडिशन की तैयारी करते रहेंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बिल्ड होगा, आपका पैशन जो है वो दिखेगा, आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत उसमें झलकेगी, और जब वो दिखाई देगी तब आप ऑडिशन के लिए निकल जाइएगा। जहां जहां जिस कास्टिंग कंपनी के अंदर ऑडिशन होते ना, वहां जाकर ऑडिशन दीजिए खुल्ला खुल्ला। एक बार सिलेक्ट नहीं होंगे, दो बार नहीं होंगे, तीन बार नहीं होंगे, चार बार नहीं होंगे, पांच बार नहीं होंगे, छह बार होंगे, कितनी बार रिजेक्ट होंगे, वो दिन एक दिन आएगा जब आप पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएंगे। बस आपको मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहना होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन एक्टिंग टिप्स लेकर आऊँ, डिफरेंट क्लास लेकर आऊँ, डिफरेंट टिप्स। देखिए, मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन आपको खुद मेहनत करने भी इन चीजों के ऊपर जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहे हैं
तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो देखिए, और भी नॉलेज लेनी है तो उसके बाद जो है मेरा चैनल है इस पे बेल आइकन का बटन, उस पे क्लिक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, उसके बाद अपडेट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।